बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप व्यूअर्स? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि ईद करीब आ रही है, तो उसी मुनासिबत से मैं आज आपको स्पेशल शीरखुरमा बनाना सिखा रही हूँ। उसके लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है, तो आइए देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने सेवैयाँ ले ली हैं, ये 1 कप लिया है, और मैंने ये पैकेट यूज़ किया है सेवैयाँ का, ये 150 ग्राम है। और मैंने इसको अच्छी तरीके से हाथ से क्रश कर लिया था, और फिर इसमें से मैंने 3/4 पार्ट इसके अंदर बना लिया, तकरीबन ये 1 कप है। इसके अलावा इवन मैंने ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं, इसमें मैंने बादाम, अखरोट और काजू ले लिए हैं, ये 3/4 कप है। और इसको मैंने मोटा मोटा क्रश कर लिया है, कुछ थोड़ा सा पाउडर भी है बीच में। और इसके अलावा यहाँ पे मैंने ड्राई डेट्स, जिनको हम छुहारे भी कहते हैं, ये मैंने 10 ले लिए हैं, और इसको मैंने 2-3 घंटे के लिए पानी में भिगो दिया था, और ये बहुत ही आसानी से ये कट गए हैं। इसके अलावा यहाँ पे इलायची पाउडर मैं 1/2 टीस्पून यूज कर रही हूँ, और यहाँ पे रेजन्स यानी के मेवे, ये मैं 1/4 कप यूज कर रही हूँ। उसके अलावा इसके अंदर देसी घी मैं यूज करूंगी, 3 से 4 टेबल स्पून। आप इसके अलावा अगर ये यूज नहीं करना चाहते तो आप बटर भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं इवेपोरेटेड मिल्क यूज करूंगी, 3/4 पार्ट यूज करूंगी इसका। अगर आपके पास ये इवेपोरेटेड मिल्क नहीं है तो आप इसको, कोई मसला नहीं है, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं पार्ट को, लेकिन आपका जो कुकिंग टाइम पीरियड होगा वो इंक्रीज हो जाएगा जब आप दूध बॉयल करेंगे, तो उसको आप ज्यादा देर बॉयल कर लीजिएगा, ताकि इसका कलर अच्छी तरीके से चेंज हो जाए, क्योंकि ये डालने से कलर बहुत ही प्यारा आ जाता है और थोड़ा क्रीमी टेक्सचर भी आ जाता है। इसके अलावा यहाँ पे मैं कंडेंस मिल्क यूज कर रही हूँ। अगर आप कंडेंस मिल्क यूज नहीं करना चाहते तो आप शुगर भी यूज कर सकते हैं। ये मैं 3/4 पार्ट इसका यूज करूंगी। आप अपने हिसाब से, जैसे कि आप पसंद करते हैं मीठा, उस हिसाब से यूज कीजिएगा। और यहाँ पे मैं फुल फैट मिल्क ले रही हूँ, यानी कि दूध, ये मैं 2.5 लीटर लूंगी, 2.5 लीटर। तो चलिए आइए देखते हैं कि इसको कैसे रेडी करना है। मैंने दूध बॉयल होने रख दिया, जब तक ये बॉयल होता है उतनी देर में हम यहाँ पे अपने ड्राई फ्रूट्स को फ्राई कर लेते हैं। सबसे पहले मैं 1 टेबल स्पून घी डाल रही हूँ, देसी घी, और इसके अंदर हम अपने ये तमाम ड्राई फ्रूट डाल देंगे। इसमें और इसको हल्की आग पे फ्राई कर लेंगे, बिल्कुल लाइट गोल्डन करेंगे। ये जो दूध है ये बॉइलिंग पॉइंट पे आ गया है। अब मैं इसके अंदर इवेपोरेटेड मिल्क ऐड करूंगी, ये 3/4 मैंने डाल दिए पार्ट, और उसी के साथ यहाँ पे उतनी देर में हम बाकी के ड्राई फ्रूट कर लेंगे। ये फिर 1 टेबल स्पून बटर डाल रही हूँ, सॉरी देसी घी डाल रही हूँ, और इसके अंदर अब मैं ये ड्राई डेट्स और ये बेसन ऐड करूंगी, और इसको मैं फ्राई कर लूंगी। बस बहुत ज्यादा ना कीजिएगा कि ये बिल्कुल डार्क हो जाए, बस ये जब ये रेजन थोड़ा थोड़ा से फूल जाए तो फिर ये हम इसको इसके अंदर ऐड कर देंगे दूध के अंदर। बस थोड़ी देर लगेगी, इस दूध के अंदर ये ऐड कर देंगे। और इसको अच्छे तरीके से 15 से 20 मिनट तक पकाएंगे, दूध अच्छी तरीके से पक जाएगा, उतनी देर में हम अपनी सेवियों को भी फ्राई कर दूध को पकते हुए तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं। अब यहाँ पे हम उसी फ्राइंग पैन में जिसमें हमने बाकी अपने नट्स फ्राई किए थे, इसके अंदर 1 टेबल स्पून और देसी घी ऐड करके इसके अंदर हम सेवैयां फ्राई करेंगे। आप बिल्कुल आप हल्की रखिएगा, क्योंकि इसको बिल्कुल लाइट गोल्डन हमने फ्राई करना है। इसको अच्छे तरीके से पलटते हैं ताकि एक साइड से जल ना जाए। जब ये फ्राई हो जाएगा तो फिर इसको हम इसके अंदर दूध में ऐड कर लेंगे, और फिर तकरीबन 10 से 15 मिनट तक हल्की आंच पे इसको पकाएंगे, ताकि अच्छे तरीके से सेवैयां उसके अंदर मिक्स हो जाए, टेस्ट आ जाए, और उसके बाद हमारा शीरखुरमा रेडी हो जाएगा। सेवैयां अच्छे तरीके से फ्राई हो गई हैं, अब हम इसको दूध के अंदर ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और साथ ही इसके अंदर जो ड्राई फ्रूट हम लोगों ने फ्राई किया था वो भी इसके अंदर डाल देंगे। थोड़ा सा मैं बस गार्निशिंग के लिए रखूंगी, और इसको हम तकरीबन
10 से 15 मिनट तक अच्छी तरीके से पकाएंगे, जब तक कि ये थोड़ा थोड़ा थिक हो जाए और ये रेडी हो जाए। इसको पकते हुए तकरीबन आधा घंटा हो चुका है। अब इसके अंदर मैं कार्डियम पाउडर डाल दूंगी, यानी कि इलायची पाउडर, और कंडेंस्ड मिल्क ऐड कर दूंगी। इसको तकरीबन 10 मिनट और हम पका लेंगे। मैंने इसकी आग बहुत हल्की की हुई है ताकि इसका दूध भी खुश्क ना हो और इसका टेक्सचर भी बहुत अच्छे तरीके से अच्छा सा आ जाए। तो ये कंडेंस मिल्क अगर आप ना डालना चाहें तो इसके अलावा आप शुगर भी डाल सकते हैं, लेकिन कंडेंस मिल्क से क्रीमी टेक्सचर आता है इसका बहुत ज्यादा। तो इसको तकरीबन ये 10 मिनट के बाद ये तकरीबन रेडी हो जाएगा, फिर मैं आपको उसको सर्व करके दिखाऊंगी। ये लीजिए, बहुत ही मजेदार शीरकुरमा रेडी है। इसको आप ऊपर ड्राई फ्रूट से गार्निश कर लीजिए। ये जो हम लोगों ने बचाए थे, जो फ्राई किए थे, इसको सब इसके ऊपर, और इसके अलावा कुछ भी आप ऊपर डाल सकते हैं। ये ड्राइड क्रैनबेरीज है, पिस्ताचियो डाल लें, कटे बादाम ऐड कर लें। ईद की रात में, जिसे लैलतुल जायजा भी कहते हैं, इबादत का इत्तमाम करना, ईद की नमाज के लिए गुस्ल करना, मसवाक करना, अच्छे कपड़े पहनना, खुशबू लगाना, नमाज ईद से पहले कोई मीठी चीज जैसे खजूर या छुहारे ताकदत यानी 1, 3 या 5 वगैरह खाना, ईदगाह जल्दी जाना, ईदगाह जाने से पहले सदका फितर अदा करना, ईद की नमाज से पहले कोई नफल नमाज ना पढ़ना, ईद की नमाज के लिए जाते हुए तकबीर तशरीक आहिस्ता पढ़ते हुए जाना, ईद उल फितर की नमाज कुछ ताखीर से अदा करना, और नमाज ईद के लिए एक रास्ते से जाना और दूसरे रास्ते से वापस आना है। तो जाते मेरी ये दुआ है कि अल्लाह पाक ये ईद हम सब के लिए खुशियों और मसरतों का पैगाम लेकर आए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जजाकल्ला खैर।